व्यूअर्स, हम अब अगला जो हमारा जोडियक साइन स्टार या बुर्ज है उसके बारे में बात करते हैं, वो है लियो। लियो जो है उसको इंग्लिश में तो लियो कहते हैं, मगर उर्दू अरबी फारसी में हम इसको कहते हैं असद। और इसका जो अरसा है वो 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का शुमार किया जाता है। इससे मुराद ये है कि जो ख्वातीनों हजरात, जो अफराद, जो बच्चे या बच्चियां इस अरसे के दौरान पैदा होते हैं वो बुर्ज असद से ताल्लुक रखते हैं। और बुर्ज असद का जो है एलिमेंट वो फायर है, आतशी बुर्ज है, और इसका जो हाकिम सयारा वो है सूरज, शम्स जिसको कहते हैं। और इसका जो क्या कहते हैं, जो हरूफ हैं जिनसे नाम रखने चाहिए, वो एक हर्फ है सिर्फ, मीम या एम, क्योंकि नाम का जो असर है वो बहुत ज़्यादा रहता है ज़िंदगी के ऊपर। तो आपने जो भी बच्चा या बच्ची पैदा हो रहा है, कोशिश करें जो बुर्ज असद के साथ ताल्लुक जिसका है मीम से नाम रखें। और इसका जो दिन है वो संडे है, इतवार, सारे दिन बेहतरीन है मेरे रब के। और जो लकी नंबर है वो 1 है। और इसके इसके साथ जो रिलेटेड कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम येलो जिसको कहते हैं, जो हल्का हल्का नारंगी टच देना शुरू किया, वहाँ तक का इतना गहरा येलो और गोल्डन कलर जो है वो इसके कलर्स हैं। कलर्स का असर बहुत गहरा होता है इंसान की शख्सियत पे। और जो पत्थर हैं वो तकदीर को नहीं बदला करते, बॉडी एनर्जी इसके ऊपर ज़रूर असर करते हैं, क्योंकि इनमें शिफा अल्लाह ने रखी है। याकूत और हीरा आप पहन सकते हैं, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं, आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या नज़र आती है इस हफ्ते में? तबीयत में ना बेचैनी का आंसर रह सकता है, लिहाजा कोशिश ये करें कि स्ट्रेस को हैंडल करें, मैनेज करें, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाएं, और चीज़ों में लगाएं जो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी ये है कि जो रिसर्च से रिलेटेड लियो ख्वातीन और हजरात हैं, इस हफ्ते में कोई ऐसा काम करते हुए नज़र आते हैं कि आपकी जो है ना शोहरत वो बढ़ सकती है। और इसके अलावा आपके कुछ लिखने की वजह से आपकी जो इनकम है उसमें भी इजाफा होता हुआ अल्लाह की मेहरबानी से इस लेवल पे नज़र आता है कि ज़िंदगी के जो डे एंड नाइट है ना वो आपके चेंज हो सकते हैं पॉजिटिव वे में इंशाल्लाह। बाकी जो ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त और ज़रात से रिलेटेड लियो वाले लोग हैं, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कुछ नई चीज़ें जो हैं वो आपके साथ होंगी। नई चीज़ों से मुराद ये है कि कुछ नए लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं जो ठेके पे ज़मीन देते हैं, इस वीक के अंदर उससे रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे जायदाद के ऊपर खरीद के रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स, प्रॉपर्टी के मामला डाउन हैं, मगर जो लियो अटैच्ड हैं इस काम के साथ उनके लिए वीक जो है अनएक्सपेक्टेड वे में अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह। ये नज़र आता है कि कहीं से कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई ग्राहक, कोई ख़रीदार आपको ऐसा मिल सकता है कि जो आपका बनाया हुआ, मिसाल के तौर पे घर है, दुकान है, कोई और प्रॉपर्टी आपने बिल्ड की है जिसको आपने बेचना है, उसके लिए वीक जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा है। बाकी जो नेक मकासद हैं उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिजनेस वाले लोगों को इस वीक में ख्याल रखना, जिनका ताल्लुक बुर्ज असद के साथ है, वो ये है कि मेजर डिसीजंस जो आप खास तौर पे पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस में लेंगे उसमें आपने थिंक ट्वाइस वाला मामला है कि एक नहीं दो दफ़ा सोच के फिर कोई डिसीजन जो है वो आपने लेना है, तो फिर वो डिसीजन जो है दानिशमंदाना डिसीजन होगा इंशाल्लाह। और सोचें और समझें कि किससे मशवरा करना है किससे नहीं। अगर तो जाहिर है आपके टाइम टेस्टेड लोग हैं जो अच्छा मशवरा देते हैं, उन्हीं से मशवरा करेंगे तो चीज़ें आपके हक में अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आती हैं। बाकी जो आपके हैं ना दोस्त नुमा दुश्मन वो आप पहचानते हैं, इस वीक में तो ख़ास तौर पर उनसे बच के रहें, वैसे हमेशा बच के रहें, इस वीक में ख़ास तौर पर बच के रहें, क्योंकि जो वार होता है ना अपने बंदे की तरफ से जिसका आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, वो चीज़ जो है वो फिर तंग करती है।
बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ध्यान रखें चीज़ों को। और बाकी जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ, सूफीज़म के साथ, रूहानियत के साथ अटैच्ड हैं, उनके लिए वीक जो है, लियो अफराद के लिए वो वीक बेहतर है। शौक इस हफ्ते में और ज़्यादा बढ़ेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला फिर आगे जाके उसको पूरा भी करेगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि आपके इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा, और आपके जो असातिज़ा हैं उनका तआवुन आपको हासिल रहेगा इंशाल्लाह। और ये है कि जो सेहत है अपनी, उसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पे अगर आप बाइक चलाने वाले हैं तो आपने बाइक को एहतियात से चलाना है, गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को एहतियात से चलाना है। चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में अल्लाह ताला रखेगा आपके इंशाल्लाह। अच्छा, जो हाउसवाइफ्स हैं लियो, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बच्चों और बच्चियों से रिलेटेड जो मामला परेशानी का बायस बने हुए हैं वो थोड़ा सा जो है वो लगा है, और अब आपके हक में प्लैनेट्स जो हैं वो लगाए हैं अल्लाह ताला ने, तो अब चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, फिर ये है कि आप के जो सफ़र के मामला था, हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ, वो इस वीक में मतलब इंटरसिटी एक शहर से दूसरे शहर भी नज़र आते हैं, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पे कि जो असद वाले जो इस वक्त चाह रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्म करें, दूसरी जगह पे चले जाएं, उनके लिए ये चीज़ जो है ये वीक बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब के सदका या सदकात आप क्या दे सकते हैं। देखें, एक पूरी लिस्ट है सदक़े की जो मैं आपको बताऊँगा। सदका जो है अगर आप बता के नहीं देंगे वो सदका नहीं रहेगा। तो आपने जब भी सदका देना है, जिसको भी देना है, किसको देना है ये भी बताता हूँ मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो मुस्तहिकीन है, जिसमें आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके अजीज़ व अकारब हो सकते हैं, और आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, आपके महल्लेदार हो सकते हैं, उनको जो है वो आपने देना है सदका, और बता के दें, क्योंकि सदका बताए बगैर असर नहीं करता। सदका इतना असरअंदाज है इंसान की ज़िंदगी पर, किसी भी चीज़ की ज़िंदगी पर जिसके लिए आप सदका दे रहे हैं, कि वो आपकी ज़िंदगी को दवाम बख्शता है। यानी इसका मतलब ये है कि आप को सेफ और सिक्योर रखता है अल्लाह के हुक्म से, मौत तक को टालने की तक इसके अंदर जो है ना वो ताकत अल्लाह ताला ने रखी है। आपने करना ये है कि गंदम, सुर्ख कपड़ा, सुनहरी कपड़ा, दाल चना, मसूर, काला गुड़ और ज़िंदा जानवर, या आप गोश्त भी दे सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो आपके लिए फिजिबल है उसका सदका इस हफ्ते में दें, अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह, हर चीज़ से मुसीबत से बचाएगा परवरदिगार। पढ़ने के लिए जो मैं बताता हूँ हमेशा वो यही होता है कि नमाज़ पढ़ें, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसर से दुरूद भेजें, क्योंकि ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ है। तो आपने अपनी नमाजें, अपनी इबादत, जिस मज़हब मसलक अकीदे से आपका ताल्लुक है वो आपका और उसका मामला है, मगर अपने क्रिएटर के साथ जो रास्ता जो रिश्ता है ना उसको आपने ठीक तरीके से निभाना है, और अपना ताल्लुक मजबूत करना है अपने अल्लाह के साथ। गॉड कह लें, ईश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, मगर वो है तो अल्लाह एक ही, उसके साथ अपने रिलेशंस को बेहतर से बेहतर करते जाएं। अच्छा जी, आपने इस वीक में जो पढ़ना है वो पढ़ना है हर फर्ज नमाज के बाद दो तस्बीहां या नूरो नूरो या नूरो, दो तस्बीहां जो हैं वो आपने पढ़नी है, और दीन और दुनिया के जो मसले मसाइल हैं ना वो अल्लाह पाक खुद हल करना शुरू कर देगा, अल्लाह पाक टेकअप कर लेता है। आप अपने अकीदे को बस मजबूत रखें जी व्यूअर्स।